नमस्कार दोस्तों, मसला ये है कि हमने देखा यहाँ पर एक बहन ने ये पोस्टर पकड़ा हुआ है सिंगू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में। ये पोस्टर आप देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि दिल्ली नी तेरे कम निकम्मे फेर कहेंगी बागी जम्मे। ये आपको हम हिंदी में भी बता देंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। और ये बहन ये पोस्टर लेकर यहाँ पर आई है। बहन क्या नाम आपका? जसकीरत कौर। जसकीरत, आप स्टूडेंट हैं? जी सर। दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक तो ये बात आपने बतानी है कि ये जो आपने कहा है कि दिल्ली नी तेरे कम निकम्मे फेर कहेंगी बागी जम्मे, ये आपने ऐसा पोस्टर मतलब किस लिए लिखा? सर ये एक इंडिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमारी बातों को मानो। जी अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, मतलब आपको कैसे लगा कि इस किसान आंदोलन में आपको जाना चाहिए और वहाँ पर किसानों की सपोर्ट करनी चाहिए, और किस वे में करनी चाहिए ये बताइए। सर किसान हमारे देश की बैकबोन है, हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। और अगर किसान ना हो तो हमारे प्लेट्स पे, हमारे टेबल्स पे खाना नहीं होगा। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड हमारी। एंड द फैक्ट दैट आई कम फ्रॉम अ एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, तो मुझे ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि मुझे आना चाहिए यहाँ पे। जब हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना हो यहाँ पे। जी ये मैंने देखा है जसकीरत की, अब फैमिलीज भी आ रही हैं। मैंने देखा दिल्ली की फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं, वो किसानों के साथ में उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ लंगर में वो सेवा कर रहे हैं। तो मतलब ये जो बात है, तो अब ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहा, नहीं। मेरे को लगता है आम जनता का बन गया। सर किसान दे ब्रिंग फूड टू आवर टेबल, एंड हर एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है खाना। तो अगर हमारे किसान ही नहीं होंगे, अगर वही उनकी ज़मीनें बिक जाएंगी, तो हम फूड अफोर्ड कैसे करेंगे? वही चीज़ जो किसान इतने सस्ते में बेच रहे हैं, वही वो कॉरपोरेट्स हमें इतना महंगा करके बेचते हैं। एंड अगर कॉरपोरेट्स ही उनकी ज़मीनें हथिया लेंगे, तो फिर हमें तो खाना तो मिलने से रहा। तो आई थिंक ये हमारी सबकी, नॉट जस्ट द फैक्ट दैट आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, नॉट द फैक्ट दैट आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली और एन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड यू नो फैमिली, आई थिंक ये सबको, बीट एनी वन, जो इस दुनिया में खाना खाता है, जो इंसान है, उसको यहाँ पे आना चाहिए, फार्मर्स का सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो यहाँ पे भी ना आए, बट उनको इस बात को एक इशू बना के सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर हम आज नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, अगर हम आज सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कल तुम्हारी प्लेट्स पे, तुम्हारे पेट में खाना नहीं जाएगा। ये बात सरकार क्यों नहीं समझ रही है, जो बात आप कह रहे हैं कि अगर किसान नहीं रहेगा, किसान की ज़मीन नहीं रहेगी, कॉरपोरेट के हाथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर आम जनता की प्लेट में खाना कैसे पहुंचेगा? ये बात सरकार क्यों नहीं समझ रही? सर बिकॉज सरकार को सरकार बेसिकली लाइक कह लो कि ग्राउंड लेवल को नहीं समझ रही है, ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ रही है। तो उसकी वजह से वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वो बस एक पर्सपेक्टिव उन्होंने बना लिया है कि ऊपर से देख रहे हैं नीचे कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। ये कुछ कॉरपोरेट्स को अगर ये हेल्प करेगा और ये लॉन्ग रन में उनके अकॉर्डिंग कि ये लिबरलाइज करेगा एग्रीकल्चर को, तो ये नहीं होने वाला है, बिकॉज ये लॉन्ग रन में एक्चुअली फार्मर्स के लिए गलत होगा। आपको लगता है कि जीत होगी किसानों की, जो मांग है बात मान लेगी सरकार, क्योंकि लाखों किसान यहाँ पर हैं और आज कई दिन हो गए हैं और लगता है ये लंबा चलने वाला है, जिस हिसाब से अभी कई दौर की बातचीत हुई, नतीजा नहीं निकला है। आपको लगता है कि बात मानेगी किसानों की? सर बात माननी पड़ेगी, मानेगी का ऑप्शन नहीं है, माननी पड़ेगी ही। हम यहाँ पे हैं, हम इनके लिए ही आए हैं। मेरा कल एग्जाम है और मैं आज प्रोटेस्ट करने आई हूँ, क्योंकि ये मैटर करता है। सब कुछ छोड़ के हम यहाँ आए, ये लोग यहाँ आए हैं, इनको अभी आई गेस कॉटन की और वीट की खेती हो रही है पंजाब में, हरियाणा में, और ये लोग अपने खेत छोड़ के आए हैं, अपना लाइक जो बेसिक जिससे वो कमाते हैं वो छोड़ के आए हैं अपने हक के लिए। तो हमारा आना तो बनता ही है, डेफिनेटली बनता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं यहाँ पर जो किसानों का समर्थन करने आए, मतलब वो स्टूडेंट सब समझते हैं इन बातों को। डेफिनेटली सर, आजकल के बच्चे वो नहीं है जो बस एक कान नाक सिर मुंह बंद है सबके। हम सब समझते हैं, सब सुनते हैं, और इसलिए हम यहाँ पे आते हैं, बिकॉज ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये हमारा बेसिक राइट है।
तो हम यहाँ पे इसलिए आते हैं। थैंक यू सो मच जसकीरत। जसकीरत को आपने सुना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं और कल एग्जाम इनका, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले ही स्टूडेंट ये जो लोग हैं ये किसान आंदोलन में सपोर्ट करने आए हैं और इन्होंने जो कुछ लिखा वो आपने समझ लिया इनका क्या कुछ कहना है। इनका यही कहना है कि अगर किसान नहीं बचेगा, किसान की जमीन नहीं बचेगी, तो फिर आम जनता है उनकी प्लेट में खाना कैसे पहुंचेगा। काश ये बात सरकार भी समझ ले और ये जो किसानों का हक है वो इनको मिल जाए और किसान अपने घर चले जाएं शांतिपूर्वक तरीके से। ये आंदोलन चल रहा है, देखना होगा कब तक ये मामला, ये जो मसला है वो सुलझता है और जो किसान है उनकी जो मांगे मानी जाती है। इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो जसकीरत ने कहा है, जो एक स्टूडेंट भी सोचता है, समझने लगा है, उस पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। और अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है तो उसको आप शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।